हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G42 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम अगर फ़ोन में आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट रिचार्ज आपने करा रखा है उसे आपको चेक करना है, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया है। कई बार हमारा फ़ोन का इंटरनेट जो है ना ख़त्म हो जाता है रिचार्ज वाला, तो जिससे हमारे वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। ये आपको सबसे पहले एक कन्फर्मेशन करनी है। अब देखिए मैं आपको जो है और भी सॉल्यूशन बताता हूं। अगर आपके फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से, तो आपको अपने फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पर टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से यह होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हमारा हैंग करता है, मोबाइल फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार जो है रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ये प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे फोन में जो है वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर टैप करना है। तो ये जो तीनों सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडेड पहले से रहती है, ठीक है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको यहाँ पे नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। ये देखिए आ चुका है, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके मोबाइल फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे ये करना है कि आपके मोबाइल जिस ऐप में आपको वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, उस ऐप को आपको रीसेट करना है, ठीक है। देखिए चाहे वो आपका फेसबुक ऐप है, इंस्टाग्राम ऐप है, चाहे आपका व्हाट्सएप ऐप है, जिस ऐप में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसी ऐप को रीसेट करना है, ठीक है। तो आपको जो है उस ऐप को जो है उंगली से दबा के रखना है। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, उस पेज में आपको जो है ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इस तरीके का इस सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। तो आपका ना ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का और दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले इसे जो है क्लियर कैच पर टैप करना है। तो आपका जो है ना नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके का बटन या डिलीट का बटन शो होगा, उसे टैप कर देना है। तो आपका नीचे की साइड ना ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको है ना उस ऐप को रीसेट कर देना है जिस ऐप में आपकी वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इससे आपकी जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहां पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। देखिए मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आप रीसेट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो है ना मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क पे आपको इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको है ना सबसे नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आप टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको APN का पेज मिलेगा। APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन आपको टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। नीचे की साइड आपको लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, ठीक है। तो आप APN सेटिंग को भी जो है इस तरीके से आप रीसेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस सॉल्यूशन आपको बता दिए ना, ये सारे प्रोसेस आपको यूज करने, तो इससे आपके मोबाइल फोन की जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।